अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से आप सबकी दुआओं से एकदम ठीक हूँ। तो ये मैंने एक और रेसिपी मटन की एक शूट की थी, वाइट मटन ग्रेवी। तो आप लोग देखते हैं इसको किस तरह से बनाते हैं। यहाँ पे मैंने सबसे पहले आधा किलो के जितना मटन ली थी, उसको मैंने सिर्फ नमक थोड़ा सा हल्का सा एकदम नमक डाल के मैंने बॉईल कर ली थी कुकर में। कम से कम 6-7 सीटी मैंने ले ली थी, विसल ले ली थी ताकि अच्छे से ये बॉईल हो जाए। तो यहाँ पे अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब इसके बाद में हम लोग इसका ग्रेवी प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली हूँ, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ मैं अभी इसके अंदर। ये मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल दी हूँ। अब साथ में हम लोग कुछ इसके अंदर खड़े गरम मसाले डालेंगे, जो कि है एक तेज़पत्ता, एक छोटी सी दालचीनी का टुकड़ा है, 4-5 लौंग है, 4-5 काली मिरी, 2 लौंग और एक इलायची। ये मैंने ले ली हूँ। अब इसको हम लोग जो तेल गरम करने रखे ना, उसमें हम लोग इसको डाल देते लाइक दिस। तो ये थोड़ा सा मतलब जैसे बकार जैसा हम लोग उसको दे रहे ना, तो थोड़ा सा जब ये तड़तड़ होएगा ना, तब इसके अंदर हम लोग 2 मीडियम साइज़ की प्याज को डाल देंगे। ये देख लेना आप लोग जिस तरह से मतलब तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। ये मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, उसको बारीक एकदम चॉप कर ली थी चॉपर में। तो इसको हम लोग डाल देंगे और इसको थोड़ा सा हल्का ब्राउन होने तक का हम लोग फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए, ये मैंने प्याज ले ली। अब इसको हल्का ब्राउन होने तक का हम लोग फ्राई कर लेते हैं। इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, एकदम हल्का सा पिंकिश जैसा करना है, क्योंकि ये वाइट रहेगा ना सालन, इसीलिए। ये देखिए इस तरह से हल्का सा, जब थोड़ा सा पिंकिश जैसा हो जाएगा ना, तो समझ लीजिए ये हमारा इतना जो काम है ये हो चुका है। क्योंकि ये वाइट है ना, तो उसका कलर हम लोग को चेंज नहीं करना है। वाइट मटन करी है ना ये, या वाइट मटन कोरमा, जो भी आप कहना चाहे बोल सकते हैं। तो ये है। अब इसके बाद में जो हम लोग ने बॉईल किए हुए जो गोश्त हम लोग ने जो बॉईल किए थे ना, उसको हम लोग ये इसके अंदर डाल देंगे प्याज में, ताकि इसको भी हम लोग अच्छे से भूनना रहेगा ना, इसीलिए। तो ये देखिए, मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके गोश्त डाल दूँगी पूरा। तो ये हम लोग गोश्त ऐड कर दिए हैं पूरा लाइक दिस। अब यहाँ पे हम लोग कुछ मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसमें हरा मसाला डाली। हरा मसाला तकरीबन मैंने 1 टेबलस्पून के जितना डाली थी, एक चम्मच भर के डाली थी मैंने। अब साथ में हम लोग कुछ सूखे गरम मसाले डालेंगे। पहले इसके साथ में हम लोग भून लेते हैं, हरे मसाले के साथ में अच्छे से एकदम भूनेंगे उसको। जितना हो सके ना उतना ज़्यादा हम लोग को भूनना है मटन को, क्योंकि जितना भूनते ना उसका उतना टेस्ट अच्छा मतलब होते जाता है। तो यहाँ पे मैं उसको भून रही हूँ। ये देखिए, अच्छे से उसको भून रही हूँ। उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो रहा है, उस तरह से हम लोग अच्छे से इसको भूनते जाएंगे। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा सॉल्ट डाल रही हूँ। अब सॉल्ट यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऐड करी, क्योंकि मैंने बॉईल करने में भी थोड़ा सॉल्ट ऐड की थी, इसीलिए। अब यहाँ पे पाउडर मसाले डाल रही हूँ, जिसमें मैंने 1 टीस्पून के जितना मैंने इसके अंदर धनिया पाउडर डाली हूँ, थोड़ा सा 1/2 टीस्पून के जितना ज़ीरा पाउडर है ये, थोड़ा सा मैंने इसके अंदर क्या बोलते हैं गर्म मसाला पाउडर भी ऐड करी हूँ, थोड़ा सा 1/4 टीस्पून से भी कम मैंने ना काली मिरी पाउडर ऐड करी थी, और मेरे पास ना वाइट मिर्च पाउडर भी, वाइट पेपर पाउडर आता ना वो भी है मेरे पास में, तो वो भी मैंने 1/4 टीस्पून से भी कम मैंने ऐड करी थी। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोग के पास में काली मिरी पाउडर है तो काली मिरी पाउडर डालिए, अगर वाइट पेपर पाउडर है तो वाइट पेपर पाउडर डालिए, दोनों में से कोई भी एक डाल सकते हैं। अब डाल के मैंने अच्छे से एकदम भून लेती हूँ, एकदम अच्छे से, खूब अच्छे से उसको भूनना है हम लोग को। जितना हो सके बोलते हैं ना, उतना अच्छे से हम लोग को उसको भून के लेना है, भूनते जाए। जब अच्छे से इसको 5-10 मिनट भून लेंगे ना, अब इसके बाद मैं यहाँ पे एक मैंने एक पेस्ट बनाई हूँ। इसमें मैंने 8-10 काजू ली थी और दही ली थी, ये दोनों को मैंने अच्छे से पीस ली थी। सिर्फ काजू है और दही है और मिर्ची है, हरी मिर्ची मैंने कुछ तकरीबन 8-10 ली थी अपने टेस्ट के हिसाब से। आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। सिर्फ काजू, हरी मिर्ची और दही, इसको मैंने पीस ली थी। पीस के मैंने इसका पेस्ट बना ली। पेस्ट बनाने के बाद में इसको भी इसके अंदर मैंने इंक्लूड कर दी, क्योंकि इसके अंदर कोई भी लाल मिर्ची हम लोग डालने वाले हैं नहीं, इसलिए हम लोग हरी मिर्ची उस हिसाब से डालेंगे। और काली मिरी पाउडर भी है तो वो भी थोड़ा तेज़ रहता है, तो हिसाब से ही आप लोग डालिएगा। अब डाल के उसको भी अच्छे से हम लोग भूनते जाएंगे, खूब अच्छे से भुनेंगे। जितना हो सके ना उतना अच्छे से हम लोग को उसको भूनते ही रहना है ऐसे। अब इसको मैं अच्छे से भून के देखिए, इसका जो ड्राई मतलब ये पूरी तरह से ड्राई हो गया है। उसके अंदर जो पानी, जो दही का जो पानी छूटा था ना, वो भी पानी मैंने अच्छे से सुखा दी, इतना मैंने इसको अच्छे से भून ली थी।
ये देखिए, और गोश्त भी देखिए कितने अच्छे से गल चुका है कि थोड़ा चम्मच से भी आप लोग को दिख रहा होगा कि थोड़ा सा टूट जाता है ये। तो इस तरह से हो गया। अब इसके अंदर मैंने हल्का सा पानी डाली हूँ मेरे मतलब ग्रेवी के हिसाब से, जैसा मुझे थोड़ा सा पतला चाहिए, क्योंकि एकदम भी सूखा मेरे घर पे खाएंगे नहीं लोग, तो थोड़ा सा चावल के साथ खाने के जैसा मैंने थोड़ा सा पानी इसके अंदर डाल के उसको अच्छे से पकने के लिए रख दी थी मैंने। अब इसको थोड़ा पानी डाल के मैंने पकने के लिए रख दे रही हूँ, तो तकरीबन 5 से 10 मिनट में ये अच्छे से पक जाएगा, क्योंकि इसका गोश्त जो है वो तो गला हुआ ही है। इसके अंदर मैंने 2 हरी मिर्ची भी ऐड कर दी हूँ, ये ऑप्शनल, अगर आप लोग को ऐड करना है तो ठीक है, नहीं तो नहीं भी ऐड करेंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दी और बस इसको 5 से 10 मिनट बस खाली इसको मैं ऐसे ही पकने के लिए थोड़ा रख दूँगी। और फिर इसके बाद में मैंने इसके अंदर कसूरी मेथी डाली, कसूरी मेथी थोड़े से ऊपर से छिड़क दी मैंने, सिर्फ ऐसे ही स्प्रिंकल करते ना हम लोग, वैसे ही मैंने खाली स्प्रिंकल कर दी लाइक दिस। स्प्रिंकल हो गया है। अब यहाँ पे देखिए आप लोग को दिख रहा होगा ये बॉयल आ रहा है इसमें अच्छे से, मतलब ये पक चुका है। अब एकदम लास्ट मोमेंट पे हम लोग इसके अंदर फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे, जो अमूल का जो फ्रेश क्रीम रहता है ना, वो मैंने इसके अंदर तकरीबन से तकरीबन 4 टेबलस्पून के जितना मैंने इसके अंदर ऐड करी थी, अच्छा खासा इसके अंदर ऐड करी ताकि इसका सॉरी कलर इसके अंदर इसका अच्छा रहे, मीन्स वाइट कलर जैसा आ जाएगा पूरा। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम लोग और बस 1 से 2 मिनट खाली इसे पका के बंद कर देंगे गैस, और ऊपर से थोड़ा सा फ्रेश क्रीम के साथ में हम लोग उसको गार्निश करके उसको सर्व कर सकते हैं, खा सकते हैं रोटी या नान के साथ, तंदूरी रोटी के साथ में, किसी के साथ में भी आप लोग खा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने उसको मिक्स कर दिया अच्छे से, तो आप लोग को वाइट वाइट कलर दिख रहा होगा ना, तो यही हमारा वाइट मटन हांडी, वाइट मटन करी, वाइट मटन कोरमा, जो आप लोग बोलना चाहे उसको बोल सकते हैं, क्योंकि सभी का बनाने का तरीका एक ही रहता है। जो भी चीज़ वाइट रहती है ना, उसमें ज़्यादातर क्रीम में रहता है और इसके अंदर काजू ऐड करते हैं ताकि उसका कलर थिकनेस के लिए, काजू इसके अंदर ऐड करते हैं कलर के लिए, और फ्रेश क्रीम। और बाजू में मैं भाजी गर्म कर रही थी तो वो भी शूट हो चुका है। तो कैसी लगी आप लोगों को ये आज की रेसिपी? एकदम ईजी सी थी ना, कुछ भी ज़्यादा मेहनत नहीं, बस खाली इसको मटन को बॉईल कर देंगे तो हमारा जो ये देखिए पूरा अच्छे से ये रेडी हो जाता है। इसको थोड़ा सा मैंने ऊपर से भी फ्रेश क्रीम डाल के इस तरह से गार्निश थोड़ा कर दी थी, और ये देखिए हमारी मटन हांडी जो है वो अच्छे से तैयार हो चुकी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।